नमस्कार, मैं अनमोल बख्शी, पेशे से एक एडवोकेट। आज आपको एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के माध्यम से एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस मंदी के दौर में हमारे भारत के व्यापारियों के लिए पेमेंट फंसने की समस्या बहुत आम हो गई है, खासकर जब से ऑटोमेटिक सेक्टर में गिरावट आई है। इसी समस्या से राहत दिलवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने पेमेंट रिकवरी का एक नया फोरम इजाद किया है, जिसका नाम एमएसएमई समाधान है। एमएसएमई समाधान माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को उनकी अटकी हुई पेमेंट रिकवर करने में उनकी मदद करता है, क्योंकि एमएसएमई हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उनके विकास और बचाव के लिए सरकार ने पेमेंट रिकवरी के लिए ये योजना निकाली है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एमएसएमई से काम तो करा लेती है, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती है तो उनको टालमटोल किया जाता है, जिसके कारण छोटी कंपनीज को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इन व्यापारियों की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए एमएसएमई समाधान को इंट्रोड्यूस किया गया। आइए जानते हैं कि एमएसएमई समाधान के द्वारा आप अपनी पेमेंट कैसे रिकवर कर सकते हैं। पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से व्यवसाय एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं। पहले तो हम बात करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर की, तो इनमें वो व्यवसाय जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है वो माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे, और जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में है वो मीडियम की कैटेगरी में आएंगे। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो आप माइक्रो सेक्टर में आएंगे, और अगर ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो आप मीडियम सेक्टर में आएंगे। सिर्फ माइक्रो और मीडियम सेक्टर्स की कैटेगरी वाले व्यवसाय ही इस पोर्टल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर है तो आप इस स्कीम के द्वारा अपनी रिकवरी नहीं कर सकते। अगर इन बताए गए डेफिनेशंस में आप आ रहे हैं तो आप इन स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि इस 5 करोड़ में कुछ कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी। वो मशीनरी और वो इन्वेस्टमेंट जो आपने नॉन प्रोड्यूसिंग मशीन्स के लिए की हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इसमें सिर्फ वही मशीन्स इंक्लूड होंगी जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर रही है, तो आपके जनरेटर सेट, आपके पॉल्यूशन कंट्रोल की मशीन्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये हटाने के बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम आ रही है तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर एमएसएमई समाधान से आपको रिकवरी करनी है तो हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन स्टेप्स का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपके पास उद्योग आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। ये कार्ड आप निःशुल्क गवर्नमेंट वेबसाइट www.udyogaadhar.gov.in पे जाकर बना सकते हैं। ये करने में आपको मान्य 10 मिनट लगेंगे। इसके लिए आपको अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल्स अपलोड करनी होंगी, और इसके साथ ही साथ आपको अपने कंपनी की पिछले 3 सालों की रिटर्न भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपका उद्योग आधार कार्ड आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक उद्योग आधार कार्ड इशू होगा। उद्योग आधार कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ए, पी या सी लिखा होगा। ए अगर आप एक माइक्रो इंटरप्राइज है, बी अगर आप स्मॉल इंटरप्राइज है, और सी अगर आप मीडियम इंटरप्राइज है। अगर आपने एमएसएमई पोर्टल के द्वारा रिकवरी करनी है तो इस कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अपना उद्योग आधार कार्ड प्राप्त करने के बाद आप एमएसएमई वेबसाइट पे अपना केस डाल सकते हैं। इस पे जाने से पूर्व आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका उद्योग आधार कार्ड, परचेज ऑर्डर और इनवॉइस हो, क्योंकि इन डिटेल्स को आपने इस वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। आइए जानते हैं इस वेबसाइट पे अपना केस कैसे डाल सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद एमएसएमई समाधान मॉनिटरिंग सिस्टम की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन एंट्री पे जाना है। एप्लीकेशन एंट्री पे जाने के बाद आप देखेंगे कि पिटिशनर की डिटेल्स ऑलरेडी इसमें दी हुई होगी। ये डिटेल्स वही हैं जो आपके उद्योग आधार कार्ड पे है। इसमें अगर कुछ चेंजेस है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे रिस्पोंडेंट डिटेल्स पे। रिस्पोंडेंट डिटेल्स में सबसे पहले आप रिस्पोंडेंट की कैटेगरी बताएंगे कि वो प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप है, वो कंपनी है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप अदर्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप उनका एड्रेस बताएंगे। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप उनकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। उसके बाद जो भी उनका डिटेल एड्रेस है आप वो लिखेंगे।
उसके साथ ही साथ आप उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालेंगे ताकि एक बार जब आप केस रजिस्टर कर लें तो एमएसएमई समाधान के द्वारा उनको सूचित किया जाए कि उनका अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है। इसके बाद आप इसमें उनकी जीएसटी डिटेल्स डालेंगे। जैसा कि एमएसएमई समाधान में एक नई प्रोविजन आया है, इसके बाद आप उनकी जीएसटी डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स डालेंगे। ये डिटेल्स इस पोर्टल में इसलिए डाली जा रही है क्योंकि अगर आपके फेवर में अवार्ड आता है और फिर भी दूसरी पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो उनका जीएसटी नंबर भी ब्लॉक हो सकता है। उनकी जीएसटी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको उनके इनवॉइसेस और परचेज ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन देनी होगी। परचेज ऑर्डर वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के तहत आपको पार्टी का जीएसटी नंबर डालने के बाद आप नीचे उनके दिए हुए परचेज ऑर्डर और आपके इश्यूड इनवॉइस की डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी। यहाँ पे आपको पहले परचेज ऑर्डर की डेट और उसका नंबर देना होगा और उसी परचेज ऑर्डर के लिए जो आपने इनवॉइस इशू किया था उसकी भी डेट और नंबर आपको मेंशन करना होगा। इन दोनों के डेट और नंबर मेंशन करने के बाद उन्हीं इनवॉइसेस की और उन्हीं परचेज ऑर्डर्स की पीडीएफ फाइल आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। जब आप ये दोनों चीजें अपलोड कर देंगे तो आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और ये सबमिट करने के बाद आपका केस एमएसएमई समाधान में रजिस्टर हो जाएगा और उसी समय दूसरी पार्टी को भी इस चीज का इंटीमेशन चला जाएगा कि केस उनके अगेंस्ट दायर हो चुका है। ये इंटीमेशन लेटर कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज की डिटेल मेंशन होती है और इसमें लिखा होता है द बायर हैज फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्टर 15 ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस नोटिस में यह भी लिखा होता है कि MSEFC hereby advises the buyer to pay the due amount as mentioned within 15 days of the receipt of this notice, failing to which a case will be registered by MSEFC. अगर इस intimation notice के 15 दिन के बाद भी दूसरी पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है तो आप इस मैटर को MSME काउंसिल में लेके जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आपको अपने सारे invoices, अपने purchase orders और उद्योगधर कार्ड को 3500 रुपीज के डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना होगा। जब एमएसएमई काउंसिल ये सारे डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट रिसीव कर लेगी तो वो दोनों पार्टीज को नोटिस भेज के बुलाएगी। वहां काउंसिल में सबसे पहले कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहां दोनों पार्टीज में समझौता करवाया जाता है। अगर कुछ समझौता नहीं हो पाता तो मैटर आर्बिट्रेशन में रेफर हो जाता है। यह आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत होती हैं। इसमें आके दोनों पार्टीज अपना पक्ष रखती हैं और अगर आर्बिट्रेटर को लगता है कि पिटिशनर के द्वारा दिया हुआ क्लेम वैलिड है तो उसके फेवर में अवार्ड कर देता है। यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर पिटिशनर का क्लेम वैलिड पाया जाता है तो वो रिस्पोंडेंट से इंटरेस्ट के तौर पर बैंक रेट का 3 times ऑफ इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है और इंटरेस्ट के अलावा वो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड के आने के बाद भी रिस्पोंडेंट आपकी पेमेंट नहीं करता तो आप एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं और NCLT में भी उस पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं।